हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये देखिए मेरा रोज़ प्लांट। तो अभी गर्मी बढ़ती जा रही है, अभी अपने रोज़ प्लांट की कैसे केयर करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो साथ में बोनस टिप्स भी बताती जाऊंगी। तो विंटर में ये बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग कर चुके हैं और मैंने इनको फिर से प्रूनिंग भी कर दिया है। प्रूनिंग की वजह से देखिए इनमें न्यू न्यू शूट्स आए हैं और इनमें बड्स बन रहे हैं। तो अभी इनको कुछ ख़ास केयर करनी है क्योंकि गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और गर्मियों के वजह से प्लांट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए प्लांट को कुछ ख़ास केयर करनी है। और ये देखिए मेरा प्लांट बहुत ही हेल्दी प्लांट है और नए नए पत्ते आ रहे हैं और बड्स भी बन रहे हैं। तो इनको मैं कैसे केयर कर रही हूँ आपको आगे बताती जाऊँगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जो प्लांट की सॉयल है उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि सॉयल अच्छी होगी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी। तो सॉयल में मैंने दिया है 50% गार्डन सॉयल और इसमें 20% सैंड मिलाया है और साथ में कंपोस्ट मैं मिलाती हूँ, बर्मी कंपोस्ट, नहीं तो काउडंग कंपोस्ट और नीम खली, फंजीसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे ही मैं देती हूँ मिट्टी में। तो देखिए मिट्टी कितनी पोरस मिट्टी है और इनको तो पॉट की मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट साइड में रखना है, नहीं तो आगे चल के प्लांट में प्रॉब्लम आएंगी। और अभी गर्मी बढ़ती जा रही है तो कोशिश करें प्लांट को सुबह का धूप मिले, यानी सुबह से लेकर दोपहर 11 या 12 बजे तक का धूप, इसके बाद धूप इनको नहीं देना है। और अगर आपका प्लांट टेरेस में या छत पर रखा है तो कोशिश कीजिए इस पर कोई ग्रीन नेट हो और धूप छन के आए प्लांट पे। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, प्लांट को एक झुंड में करके रख सकते हैं या किसी बड़े प्लांट के नज़दीक रख सकते हैं जिसे प्लांट को कुछ छांव मिले। तो पूरे दिन का धूप अभी इनको नहीं देना है, लेकिन ये जो देखिए मेरा देसी जो गुलाब है, तो देसी गुलाब को पूरे दिन का धूप देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और इसको मैंने बड़े से थर्मोकॉल के जो डिब्बे आते हैं इसमें मैंने लगाया है। तो ये मेरा पुराना प्लांट है और बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है इसमें और बहुत सारा बर्ड्स भी बना हुआ है। तो इनको क्या करना है फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम इनकी डेड हेडिंग करनी है, यानी जिस ब्रांच में जो फ्लावर खिल चुके हैं उस ब्रांच को थोड़ा कट कर देना है। इससे क्या होता है, नया शूट आता है और नए शूट में फिर से बर्ड्स आना शुरू हो जाता है। और ये देखिए कितना बड़ा फ्लावर खिला है। तो इस तरह मैं प्लांट को अभी जो देती हूँ वो है बर्मी कंपोस्ट मैं दूंगी प्लांट में। तो मेरे प्लांट 8 इंच के और 10 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, तो इस तरह के पॉट में 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और ये 1 महीने के लिए काफ़ी है, महीने में एक ही बार देना है। और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना है महीने में एक बार। तो सिर्फ 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट 1 लीटर पानी में मिलाकर इनको स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, प्लांट की पत्तियां लश ग्रीन होंगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया से चलेगा। तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छे होने के लिए प्लांट में मैग्नीशियम सल्फेट देना ज़रूरी है। और आप घर में बने हुए जो फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं। ये देखिए चाय की पत्ती, तो चाय की पत्ती सिर्फ 1 चम्मच आपको महीने में एक ही बार देना है, क्योंकि चाय की पत्ती एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है। और इस तरह आप चाय की पत्ती को भिगाकर लिक्विड बनाकर के भी दे सकते हैं, इससे प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग भी होती है। तो चाय पत्ती एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन इसको अच्छे से बनाना है, मतलब चाय पत्ती को धोकर अच्छे से सुखा लेना है और इसको इसके बाद ही प्लांट में देना है। तो ड्राई चाय पत्ती प्लांट में देना है। तो इस तरह लिक्विड आप दे सकते हैं, वो भी महीने में एक बार देना है। और चाय पत्ती की 1 चम्मच आप हर एक प्लांट में दे सकते हैं ड्राई करके, इस तरह गीली पत्ती बिल्कुल नहीं देना है। और पॉट की मिट्टी जब ड्राई हो चुकी हो तभी देना है, गीली मिट्टी में कभी भी कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और चाय पत्ती से प्लांट में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन अभी इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अभी इनका
रूट बहुत ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये विंटर में ज़्यादातर ग्रोथ करते हैं और फ्लावरिंग करते हैं, तो इसलिए इनको अभी थोड़ा सेफ साइड में ही फर्टिलाइज़र देना है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। और फ्लावरिंग के लिए जो दे सकते हैं ये है पोटैटो पील, और जो दे सकते हैं वो है बनाना पील। तो बनाना पील और पोटैटो पील को आप भिगा कर यानी इनको 1 लीटर पानी में डुबा कर 1 दिन या 2 दिन रखने के बाद इसका जो पानी आता है इसको डाइल्यूट करके आप 15 दिन में यानी 15 डेज में एक बार दे सकते हैं। इससे प्लांट में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। तो बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र नहीं देना है, और प्लांट में से भी बहुत ज़्यादा बर्ड्स अभी एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी इनका फ्लावरिंग का टाइम नहीं होता। लेकिन जो देसी गुलाब होते हैं वो अभी भी बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करते हैं। ये साल भर ही फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं। तो और 15 डेज़ में एक बार फंजीसाइड ज़रूर दे देना है, इससे प्लांट हेल्थ। तो फंजीसाइड में आप साफ हो या बेबिस्टिन हो, दोनों में से कोई भी फंजीसाइड सिर्फ 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके इनको स्प्रे करना है प्लांट के ऊपर। तो इससे प्लांट हेल्दी रहेंगे और प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कभी भी गीली मिट्टी में पानी या फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं देना है। बैलेंस NPK यानी NPK 19-19-19 या 20-20-20 आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे प्लांट बढ़िया ग्रोथ करेंगे और प्लांट में फ्लावरिंग भी होगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।